नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 2014 में चुनाव में जो वादा किए थे उन्हें पूरा नहीं किया। आज देश का हर नागरिक भाजपा की नीतियों से परेशान है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था किसानों पर टिकी हुई है, मगर किसान खुशहाल होगा तो देश भी मालामाल होगा, लेकिन आज किसानों की हालत चिंता का विषय बनी हुई है। ओम प्रकाश चौटाला ने केंद्र सरकार के नए ट्रैफिक नियमों पर निशाना साधते हुए कहा कि चौधरी देवीलाल के गड्ढे यानी ट्रैक्टर की कीमत से ज़्यादा जुर्माना वसूल किया जा रहा है। ओम प्रकाश चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताया, कहा कि प्रधानमंत्री की गलत नीतियों की वजह से देश की हालत खराब हुई है। चौटाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मनोहर लाल सरकार से हर वर्ग परेशान है। वही किसानों से किए हुए वादे भी पूरे नहीं किए गए और न ही सरकार ने किसानों की फसलों की सही ढंग से खरीद की है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो किसानों को सुविधाएं देंगे, क्योंकि अगर किसान खुशहाल होगा तो पूरा देश भी खुशहाल होगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि सरकार बनाना आपका काम है, आप संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्य करें। साथ ही उन्होंने बिना JJP का नाम लिए कहा कि प्रदेश में केवल 3 पार्टियाँ हैं, कांग्रेस, BJP और INNO। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर पढ़े लिखे युवकों को नौकरी दी जाएगी, साथ ही 100 रुपये हर दिन के हिसाब से बुढ़ापा पेंशन देंगे, यानी महीने का 3000। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी द्वारा 2 अक्टूबर को प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगी। उन्होंने कहा कि 33% पार्टी की टिकट पर महिलाएं होंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों में टिकट बेची जाती है, लेकिन उनकी पार्टी ही एक ऐसी है जहाँ पर ऐसा नहीं होता। उनका केवल एक मकसद है कि भ्रष्टाचार खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि ठोस नीति बनाकर भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। पलपल शीर्ष से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। अब के वो राज की मौज लूटने के लिए चले तो गए, लेकिन उनकी प्रवृत्ति बहुत हो रही है। मैंने तो अखबारों में पढ़े, TV में देखा, जुलाने का हमारा विधायक था परमिंदर सिंह ढुल, हमारी पार्टी में शामिल हुआ, पार्टी ने उसकी मदद करी, MLA बनाया, पार्टी मंच से पदों पर उसको बिठाया, सम्मान दिया। विधानसभा में भी जब हमारी पार्टी विपक्षी दल थी, उसको डिप्टी लीडर पार्टी का बनाया था, उसको पूरा सम्मान दिया जाता था। स्वार्थ के वशीभूत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ और भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट का जलसा था उसके हल्के में, तो जैसे हमारी पार्टी में चौधरी बन के आता था उसी हिसाब से चौधरी बन के वो उनके मंच पर जा बैठे और BJP वालों ने उसे जूतियों से पीट के यही हालत फतेहबाग के MLA की भी, जो लोग गए हैं वो बहुत अपमानित हो, तो राज की मौज लूटने के लिए गए थे, अब टिकटों की दौड़ चल रही है। मुझे नहीं लगता कि जो आपके संगठन को छोड़ के गए हैं उन्हें कोई दूसरी पार्टी टिकट नहीं मिलती है, और उनके 100% अब ये जची हुई है, आपके हमारे जचे या ना जचे, उनके तो जचगी के अब इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की सरकार बनी। राज की मौज रोकने के लिए फिर से पार्टी में शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारी पार्टी ने अब एक फैसला किया कि हम दगाबाजों को, धोखेबाजों को, गद्दारों को हम दोबारा पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। मैंने
पहले भी आपसे भेजी थी, आज फिर दोहरा रहा हूं। वो आपके माध्यम से फिर पार्टी में शामिल होने का प्रयास करें, तो आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि उनकी सिफारिश लेकर के मत आए। लेकिन दुर्भाग्य प्रदेश का देश का यह रहा कि आपकी मेहनत से पौधा जो फल देने लगा, तेरे वर्ग के लोग उसके फल को लूट के लेंगे। हमें नए सिरे से फिर कोशिश करनी है। आपको लोकसभा के चुनाव से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। पता नहीं क्या सोच करके लोगों ने कैसे वोट दिए, कुछ नहीं करना चाहता। पिछले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस देश के लोगों को एक सबज मार्ग दिखाया था कि हमारी सरकार बहादुर सरकार बनने के बाद विदेशी बैंकों में जो बड़े उद्योगी घरानों का पैसा जमा है, वो सारा पैसा हम इस देश में लाएंगे। और आंकड़ों के साथ वो बताते थे तो इतना पैसा है कि हर व्यक्ति के बर्थडे 15 लाख रुपए आए। अब एक पर्ची के बदले 15 लाख रुपए मिलते हैं, पर किसका मन नहीं करेगा? लोग बैंक गए, गुमराह हो गए, सरकार उनकी बन गई। और सरकार बनने के बाद उन्होंने अपने वायदे तो क्या पूरे किए, 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति देने की बजाय जो पीटीओ का कुछ पैसा लोगों के पास जमा था या बैंकों में जमा था, ऐसे कानून बनाए कि सारा पैसा भी बढ़ गया। और उसका नतीजा आज आप देख रहे हो, इस देश का हर नागरिक, चाहे कोई किसी भी धर्म और मजहब को मानता है, किसी भी जाति का है, किसी वर्ग से जुड़ा हुआ है, और चाहे किसी के रोजगार व्यवसाय और कारोबार का कोई भी साधन क्यों ना हो, चाहे कोई हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई, चाहे हरिजन है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे कारखानेदार है या मजदूर है, चाहे किसान है या कमेरा है, आज इस देश का हर नागरिक परेशान है या नहीं? हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश मालामाल है, और यदि किसान कंगाल है देश का बहुत बुरा हाल। इसलिए इस देश के दुखी नागरिक आज इस कुशासन से परेशान है। राज तो बदलना चाहते हैं, संघर्ष में जूझने के लिए तैयार है, लेकिन बदकिस्मती देश के लोगों की यह है कि आज कोई अच्छा मजबूत नेतृत्व तो नहीं है, और आज देश की हालत सबसे ज्यादा बदतर है। आर्थिक तौर पर हमारे देश की स्थिति बहुत खराब है। हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री पूरी तरह से डिक्टेटरियल एटीट्यूड अपनाए हुए हैं, इनके किए हुए गलत कार्य करने की वजह से आज देश बर्बादी के कगार पर खड़ा है। लोग इस कुशासन से तंग आ चुके हैं,
बदलना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य देश का यह है कि आज स्वर्गीय श्री जयप्रकाश नारायण और चौधरी देवीलाल सिंह का कोई नेतृत्व नहीं है। देश के लोगों को छोड़ करके एक अच्छी सरकार का गठन कर सकते, इसलिए आपको एक अवसर मिला है। हरियाणा विधानसभा के चुनाव इसी 21 तारीख को होंगे। मुझे आप पे बहुत भरोसा और विश्वास है, आपने इस बात को प्रमाणित किया कि मेरी गैर हाजिरी में भी संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत किया। हरियाणा प्रदेश में 3 ही राजनीतिक पार्टियां हैं, एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है और तीसरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। हम कहें या ना कहें, लोग इस बात से पूरी तरह से परिचित है। कांग्रेस और बीजेपी से लोग बहुत दुखी, छोटे मोटे दल तो बहुत है, इनके तो नाम के आगे भी मनोहरलाल के नाम के आगे खट्टर लग गया। हमारे जो नागारा पशु होते हैं उनको खट्टर मैंने सच्चे में वोट देखे, किसी व्यक्ति के नाम के आगे कांडा लगे होंगे। नाम के हिसाब से भी लोग ये उम्मीद रखते हैं कि मैं पहले और 2 तारीख को महात्मा गांधी जी का पवित्र जन्म दिवस है, हम उस दिन पार्टी के प्रत्याशियों की सूची छाया करें। और उसमें 33% महिलाओं को टिकट दिया, लेकिन लिस्ट हम नहीं बढ़ाएंगे। आप सब लोग बैठे हो, आप अपने हल्के से अच्छे प्रत्याशियों का चयन करके नाम हमारे पास भेजें। ऐसे उम्मीदवार तलाश करो पार्टी के प्रति समर्पित हो, सामाजिक हो, लोगों के दुख दर्द में भागीदारी करते हो, संघर्षशील और जुझारू, राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास करते हैं। इस प्रकार के प्रत्याशी अगर आर्थिक तौर पर कमजोर है, इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं झोली फैला के एक एक घर में जाकर के भीख मांगूंगा, लेकिन उनके चुनाव का सारा पैसा